कहते हैं कि पहाड़ों में एक डायन रहा करती थी, जिसे लोग पहाड़ी डायन के नाम से जानते थे, और इसी के साथ उसका खौफ भी लोगों में बढ़ चढ़ कर बोलता था। इस बात को यूँ तो काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन वहाँ पर आज भी लोग यही मानते हैं कि बरसों पुरानी वो डायन की जो बातें हैं आज भी वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़िंदा हैं, और वो डायन भी रातों में उन पहाड़ों में घूमने के लिए निकलती है, और अगर कोई इंसान उसे टकरा जाए तो उसे ज़िंदा ही निकल जाती है। यहाँ पर संजय जो था अपने एक दोस्त के साथ अपने दादी दादा के घर रहने के लिए पहुँचा था। उसके दादी दादा जो थे बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे थे, और जब उन्होंने जो था अपने पोते को उसके दोस्त के साथ देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बोले, अरे क्या बात है, आज इतने दिनों बाद अपने दादा दादी की, बेटा तुम्हें कैसे याद आ गई। संजय ने कहा, याद तो आपकी हमेशा ही आती है दादा दादी, लेकिन आज जो था मेरे पास वक्त था, कॉलेज की छुट्टी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त के साथ यहाँ पहाड़ों में घूमने के लिए आया जाए और साथ में आपसे भी मिल लिया जाए। तो उसके दादी दादा बड़े खुश हुए, उन्होंने बहुत अच्छे से जो था अपने पोते की और उसके दोस्त की खातिरदारी करी। इसके बाद जो था रात में जब सब सोने के लिए गए तो यहाँ पर संजय ने कहा, आप हमेशा मुझे कहानी सुनाते थे, आज भी कोई बढ़िया सी कहानी सुनाइए। तो इस पर उसकी जो दादी थी उन्होंने उन दोनों को जो था एक कहानी सुनाई, एक पहाड़ी डायन की। तो उसके दोस्त ने कहा, वैसे दादी जी क्या सच में डायने होती हैं? तो यहाँ पर जो संजय था, अरे तुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पर सच में डायने होती हैं, मैंने कभी देखा तो नहीं, पर बचपन से उनकी किस्से कहानियाँ सुनता आया हूँ, बड़ा डर लगता है। अगले दिन ये जो दोनों दोस्त थे ये पहाड़ों में घूमने के लिए निकल पड़े। यहाँ वहाँ टहलते हुए जो था ये अचानक से जो था रास्ता भटक गए। अब शाम का वक्त हो चला था, जैसे घर जाने के लिए जा रहे थे तभी इन्होंने देखा कि इन्हें तो मतलब रास्ता याद ही नहीं रहा। अब ये दोनों परेशान हो गए, कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, कोई टकराए तो उससे पूछ ले कि भाई रास्ते के बारे में। तो तभी जो है चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ और जंगल, तो अचानक से ही जो था पायलों की आवाज़ सुनाई दी। पायलों की आवाज़ सुनने के बाद जो था ये दोनों एकदम से रुक गए और यहाँ वहाँ देखने लगे, तो देखा कि सामने की ओर एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। अब उस खूबसूरत लड़की को देख ये दोनों उसके पास पहुँचे और पते के बारे में पूछने लगे। तो उस लड़की ने कहा, लगता है यहाँ पर नए आए हो, तभी तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो दोस्त ने कहा, नहीं नहीं हमें तो सब कुछ मालूम है, हम तो सब कुछ जानकर ही आए हैं, हमने तो सुना है कि इन पहाड़ों में कोई डायन भी रहती है, लेकिन मैं उससे नहीं डरता, तुम बताओ क्या तुम डरती हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगी और बोलती है, भला मैं क्यों डायन से डरने लगी जब मैं खुद एक डायन हूँ। इतना सुनने के बाद जो था दोनों दोस्त एकदम से घबरा गए। तभी उनकी नज़र उस लड़की के पैरों की ओर पड़ी, तो दोनों ने देखा कि उस लड़की के पैर जो थे उल्टे थे। यहाँ इन दोनों की चीख निकल पड़ी ये देख, तो तभी जो था वो लड़की भयानक रूप में आ गई और उसके भयानक रूप को देख जो था ये दोनों चीखने लगे। तभी वो जो डायन थी वो उन दोनों की ओर बढ़ने लगी और ऐसा लगता था जैसे कि आज उन दोनों को ज़िंदा ही निकल जाएगी। अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था और ये दोनों जो थे अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वहाँ से दौड़े तो अचानक से ही सामने से एक आदमी से जा टकराए। ये जो आदमी था इसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक भाला था। तो ये दोनों जो थे उससे बोले, भाई हमें बचा लो, हमारे पीछे डायन पड़ी है। तो उसने बोला, चिंता वाली कोई बात नहीं है, उस डायन को तो मैं देख लूँगा। तभी वो डायन दौड़ते हुए वहाँ पर आ गई। तो उस डायन ने देखा कि उस आदमी के हाथ में जो भाला है उसे देखकर वो अचानक से घबरा गई और वहाँ से गायब हो गई। तो वो दोनों दोस्त जो थे वो बड़े हैरान हुए और बोले, ये भाले को देखकर अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो उसने बताया कि यहाँ की जो डायन है वो रुद्राक्ष की माला और इस भाले से डरती है, सिर्फ इस भाले से ही उसको मारा जा सकता है। तो ये जो दोनों दोस्त थे उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, हम यहाँ का रास्ता नहीं जानते, क्या आप हमें छोड़ सकते हैं हमारे घर तक। यहाँ पर उन दोनों ने जब घर का पता बताया तो उस आदमी ने उनको घर पर छोड़ दिया, और उनके घर पर जब वो आदमी उन्हें लेकर पहुँचा तो उसके दादी दादा ने जो था उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उन दोनों को जो था बहुत डांट लगाई इतनी देर से आने के लिए, लेकिन अब सब ठीक है।